हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मिसेस वीनाराणा की दुनिया में। दोस्तों, आज का हमारा टूर है टिहरी टू धनोल्टी। हम लोग जा रहे हैं विद फैमिली, मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे दोनों बच्चे और देवर देवरानी। तो चलिए, बने रहे मेरे साथ। अगर कहीं जा रहे हो और टिहरी के छमुंड का पानी ना पिए या बोतलों में ना भरे, ऐसा हो नहीं सकता। तो हमने भी यहाँ पे पानी भरा और निकले। टिहरी से धनोल्टी तक के बीच का बहुत ही मनमोहक दृश्य है, तो मैंने छोटी छोटी क्लिप डाली है रास्ते की। अभी हम पहुंच चुके हैं चंबा में। सफर में आगे बढ़ते हुए हम पहुंच चुके हैं काणा ताल में, और काणा ताल के इस लोकेशन पे है बहुत सुंदर एडवेंचर के लिए। यहाँ पे दूर दूर से लोग घूमने के लिए आते हैं। बहुत खूबसूरत यहाँ पे व्यू है, खूबसूरत पहाड़ियाँ हैं। इन खूबसूरत नज़ारों को पार करते हुए हम पहुंच चुके हैं माँ सुरकंडा देवी मंदिर के सामने। यहाँ तक है सुरकंडा देवी मंदिर के लिए गाड़ी का मार्ग, और यहाँ से है पैदल। तो आज भी बहुत भीड़ लगी हुई थी, गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ भर रखी थी, लोग दर्शन के लिए आ रहे थे। यहाँ से मंदिर जाने के लिए पैदल मार्ग है और ट्रॉली की भी सुविधाएं हैं। जो लोग पैदल नहीं जा सकते मंदिर तक, तो वो ट्रॉली से जा सकते हैं। हम पहुंच चुके हैं धनोल्टी में। यहां से है धनोल्टी इको पार्क का मेन गेट।
गोल्डी इको पार्क का जो व्यू है बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे लोग गर्मी में घूमने आते हैं क्योंकि यहाँ पे जंगल का एरिया है तो बहुत ठंडा होता है, और लोग सर्दी में भी यहाँ आते हैं क्योंकि यहाँ पे बर्फ गिरी रहती तो उस टाइम घूमने के लिए भी बहुत अच्छा है। और दूसरी खास बात की धनोल्टी इको पार्क मसूरी के नज़दीक है, तो आपको पता ही मसूरी टूरिस्ट के लिए बहुत खूबसूरत जगह है और साथ में धनोल्टी भी, तो जो लोग मसूरी आते हैं वो लोग धनोल्टी भी ज़रूर आए। और बच्चों के लिए मस्ती करने के लिए यहाँ पे बहुत खूबसूरत झूले हैं। एक पाँव ऊपर करो, एक पाँव ऊपर। इस इको पार्क में चारों तरफ खूबसूरत पिक्चर्स लगी हुई है, आप देख सकते हैं बहुत सुंदर सुंदर पिक्चर यहाँ पे लगी हुई है। इको पार्क की खास बात ये भी है कि जो सनसेट का टाइम होता है वो यहाँ से बहुत सुंदर दिखाई देता है। जैसे कि आपको पता है कि मसूरी सनसेट देखने के लिए बहुत फेमस जगह है, तो वही नज़ारा यहाँ से भी दिखता है। तो कुछ लोग शाम के टाइम सिर्फ सनसेट देखने के लिए इस पार्क में आते हैं। धनोल्टी इको पार्क में आए और झूला ना खेले ये तो हो नहीं सकता। यहाँ बड़ों के लिए भी झूला खेलने के लिए है, बच्चों के लिए भी झूला खेलने के लिए, तो हम सब ने बारी बारी करके झूला खेला। झूला खेलने की बारी दोनों भाइयों की है, हम सब ने बारी बारी से खेला और झूला खेलते हुए बचपन की यादें ताज़ा हो गई। अक्सर बचपन में झूला सब खेलते हैं तो यहाँ पर भी सब ने मस्ती करी। बोलो भी, अच्छा बोलो भाई क्या गया गया झूला गया।
बोलो, कुछ बोलना चाहते हैं आप? इस झूले में कैसा कैसा लग रहा है आपको? आनंद आ रहा है? डर लग रहा मुझे इसको तो, पकड़ डर लग रहा मुझे इसको तो, डर लग रहा। वाह, अपना बचपन याद आ गया। चल अब रितु और बैठ। रितु को डर लग रहा है। उसको पिटा। कुछ बोल कुछ बोलना चाहते हैं? अभी का जो टाइम था वो था सनसेट का, तो लोग बहुत ऊपर ऊपर तक सनसेट देखने के लिए जा रहे थे, लेकिन हमारे साथ थे बच्चे और बच्चे ज़्यादा ऊपर चल नहीं सकते, तो इसीलिए हम वापस आ गए। तो यहाँ पे बच्चों ने खूब इंजॉय किया, हमने खूब इंजॉय किया। बहुत सुकून है यहाँ पे, शांति है, नेचर्स ब्यूटी है। जब भी आप धनोल्टी इको पार्क में आए तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप कुछ भी खाने की चीज़ें और पर्स हाथ में ना लेके आए, क्योंकि यहाँ पे जो बंदर है इतने चालाक बंदर है कि ये बहुत तेज़ी से अटैक करते हैं। इनको कुछ भी दिखे, अगर किसी के पास खाली पर्स भी है, ये तब तक नहीं मानते जब तक पर्स भी न छीने। और देखो किस तरह से डरा रही, मतलब ये बिल्कुल भी नहीं डरते और सीधे अटैक कर देते। तो अब हम आ चुके हैं धनोल्टी इको पार्क से वापस। धनोल्टी जाने का हमारा सुबह से कोई प्लान नहीं था, सडनली हमारा प्लान बना और हम पहुंचे इको पार्क धनोल्टी में। तो जितना भी समय मिला हमने खूब इंजॉय किया, बच्चों ने खूब इंजॉय किया। धनोल्टी से वापस आते टाइम मैंने वीडियो तो नहीं बनाई, लेकिन हम काना ताल के एडवेंचर पार्क में रुके और मेरे हस्बैंड भी जा पहुँचे साइकिलिंग करने, तो इस तरह से उन्होंने भी साइकिलिंग करी। बीच में शायद उनके पांव थक गए थे, तो साइकिलिंग करते करते थोड़ा स्लो हो गए। हम लोग ऊपर से देख रहे थे पहाड़ों में सनसेट होने के तुरंत बाद रात हो जाती है, इसलिए वीडियो भी साफ साफ नहीं बनी। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक तो ज़रूर करना, शेयर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत सारा प्यार देना। थैंक यू सो मच।